अब डेसिमल का क्या मतलब? डेसिमल का मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म है ना, पी बाय क्यू की फॉर्म में वैल्यू लिखा होता है। इसका मतलब क्या, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, अल्टीमेटली तो यही है ना। उसके बाद कटिंग होके वो डेसिमल में वैल्यू जाती, अल्टीमेटली यही है कि पी बाय क्यू की फॉर्म में कुछ वैल्यूज दी गई। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का कैसे हमें पता चलता है, डेसिमल को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये वैल्यू टर्मिनेट होगी या नहीं होगी, कैसे हमें पता चलेगा? तो मान लो न्यूमरेटर कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी न्यूमरेटर है और डिवाइड हो रहा है दो से, ठीक है। पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल की शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर में या तो दो हो, पहली शर्त। दूसरी कि डिनोमिनेटर में या तो पांच हो, या दो हो या पांच हो। और तीसरी और आखिरी शर्त क्या है कि या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अब दो है तो मतलब दो की कोई पावर भी आ सकती है, ठीक है, दो की पावर भी हो सकती है। पांच है तो पांच की कोई पावर भी हो सकती है। आखिरी शर्त क्या है कि दो दो होगा और पांच का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब दोनों के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। इससे इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है कि जो भी डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब नीचे अगर दो आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पांच आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दो की कोई पावर आ जाए, पांच की कोई पावर आ जाए, समझ रहे हैं मेरी बात, या फिर दो और पांच का प्रोडक्ट हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो हम डेसिमल को देख के बता सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी या नहीं होगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आपको किसी भी तरह का? चलिए अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस देती हूँ और मुझे बताइए कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आराम से सोच के बताइएगा, सोच लीजिए, बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देख के कैसे बता सकते हैं कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है?